अल्मोड़ा में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आज शिक्षकों और कर्मचारियों ने अपना मोर्चा खोल दिया है। बताने की पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर राष्ट्रीय आंदोलन के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन करते हुए कर्मचारी नेताओं ने कहा कि जो कर्मचारी लंबी सेवाओं के बाद रिटायर्ड होते हैं तो वह भी खाली हाथ हैं। इसी क्रम में कर्मचारियों नेताओं ने कहा कि यदि समय रहते सरकार पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं करेगी तो कर्मचारी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने के लिए बाध्य होंगे। अल्मोड़ा से संवाददाता नसीम अहमद की रिपोर्ट। पूरे कार्यक्रम का है और पूरे कर्मचारी और अधिकारी हम लोग जो है यहाँ पर रोड शो कर रहे हैं। जब तक पुरानी पेंशन नहीं होगी हमारा कार्यक्रम जारी होगा। वर्तमान में लोकसभा चुनाव है जिसके लिए हम ये वादा करते हैं कि अगर हमारी पूरी पेंशन बहाल नहीं की गई तो हम इसका विरोध करेंगे। और हम लोग इसे स्पष्ट से बता देते हैं कि सरकार एक सांसद और विधायक सांसद एक दिन के लिए पात्र को बनता है, लेकिन हम लोग सरकारी कर्मचारी 60 साल तक इस देश की सेवा कर रहे हैं और हमसे जो इस मुद्दे के लाठी को छीन लिया गया जो बिल्कुल हमारे जो न्यायपूर्ण नहीं है। और जो हम कहते हैं कि लोकतंत्र भारत देश है, मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र है, ये राष्ट्र को बदलने वाला है, इसलिए हमको जो है सतर्क होना चाहिए। धन्यवाद। उसका सिग्नल।